बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम बनाने लगे साबूदाना खीर, जिसके लिए हमें चाहिए 1 कप साबूदाना, और इसे हम बाउल में डाल के वॉश कर लेंगे। इसमें पानी डालते हैं, इस तरह हम 3 दफ़ा पानी डालेंगे और निकाल देंगे। अच्छी तरीके से वॉश कर लेते हैं। साबूदाना वॉश हो चुका है, इसमें हमने 3 दफ़ा पानी डाला है और 3 दफ़ा निकाल दिया है। अच्छे तरीके से वॉश हो गया, इसे में पानी डाल देते हैं। 1 घंटा इसे भिगो देंगे। इसमें इतना पानी डाल देते हैं बस, इसे 1 घंटे के लिए भिगो देंगे। 1 घंटा हो चुका है, साबूदाना हमारा इस तरह फूल चुका है। अब इसका हम पानी निकाल देते हैं। कढ़ाई में 1 लीटर पानी डाल देते हैं। और चूल्हा ऑन कर लेते हैं। इसमें डाल देंगे साबूदाना। इसी तरह हम इसे हिलाते रहेंगे। आँच हम मीडियम रखेंगे और इसे पकने देते हैं। 1 लीटर पानी जो हमने डाला था वो खुश्क हो चुका है। इस तरह हमारा ना साबूदाना गाढ़ा हो गया। अब इसमें डालते हैं 5 अदद इलायची, छोटी इलायची हमने ली है, इसमें डाल देते हैं। 2 लीटर हमने दूध लिया है, वो भी इसमें डाल देते हैं। नाज़रीन एक बात का ख्याल रखना है, चमचा मुसलसल हिलाते रहना है, चमचा नहीं रोकना, इस तरह इसे हिलाते रहना है। अगर हम चमचा रोकेंगे तो हमारी खीर नीचे लग जाएगी। अब इसी तरह हम इसको पका लेंगे। हमारी गाढ़ी हो चुकी है, अब इसमें डाल लेते हैं चीनी। चीनी हमने डाल ली है, अब जीरे से पका लेते हैं। दूध डालने के बाद हमने 25 मिनट इसे पकाया है। अब इसमें डाल देते हैं कुटे हुए बादाम। 3 मिनट और पका लेते हैं। तीन मिनट हो चुके हैं, साबूदाना वाली खीर हमारी पककर तैयार हो चुकी है। खीर हमारी पककर तैयार हो चुकी है। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। नई वीडियो के आने तक अल्लाह हाफिज़।